श्यामलाल जी ने पांचों बेटों की शादी एक ही दिन करी थी। घर में रिश्तेदारों का मेला लगा हुआ था, लेकिन सुबह 5 बजे ही तभी श्यामलाल जी की बीवी, अरे सुनते हो, घर में हाहाकार मचा है और तुम यहाँ सो रहे हो। अरे धीरे बोल भाग्यवान, आखिर हुआ क्या? पांचों बहुओं को एक साथ ही बाथरूम जाना है और घर में एक ही बाथरूम है। जरा आंगन का नजारा अपनी आंखों से देखो। आंगन में बाथरूम के आगे तीनों बहुएं छोटे छोटे कपड़ों में तो गांव वाली देसी बहुएं घूंघट काढ़े लाइन लगाकर खड़ी थी। माय गॉड, आई कांट वेट माजी। अरे बहू धीरे बोल, तू जीन्स पहन के ही नीचे आ गई, घर रिश्तेदारों से भरा है, सब्र कर। माजी मैंने तो शॉर्ट्स पहन लिए हैं। आई हेट के मेरे कपड़ों में कोई भी चीज टच हो जाए वॉशरूम की। उफ, यू आर राइट, मैंने भी शॉर्ट स्कर्ट पहना है। सौम्या, मुझे भी लॉन्ग ड्रेस में वॉशरूम जाना पसंद नहीं। हे भगवान, कलयुग, आप तीनों की ही तो टांगे दिख रही है, अभी तू मुंह दिखाई भी ना हुई। भैया मैंने तो अपनी साड़ी ना उतारी। अरे अम्मा जी, आखिर गुसल खाने में है कौन, मैं तो लोटा लेकर बाहर ही बैठ जाती हूँ। छी छी, डिस्कस्टिंग, ये गाँव के लोग। अरे मेरा मुँह ना खुलवाना दीदी, गाँव की तो हूँ पर ये नेकर पहन के तो सास के आगे नहीं घूमती। अरे तो इसमें बुरा क्या है, साड़ी पहन के बड़ी सफाई से रह पाओगी क्या? मामा मैं वेट नहीं कर सकती, आप दरवाजा खुलवाइए ना। अरे माँ जी, इस तरह लाइन लगा के कब तक खड़े रहेंगे? अरे हाँ हाँ, बस अभी खुलवाती हूँ। कौन है भाई, जरा जल्दी बाहर आओ, नई बहुओं को जाना है। अंदर से ताऊजी की आवाज आती है। अरे सुधा, ये मैं हूँ तेरा जेठ। कल खाना ज्यादा खा लिया तो थोड़ी बदहजमी हो गई। जरा बहुओं से कह दे पर्दा कर ले, मैं आ रहा हूँ। व्हाट, पर्दा? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अचानक सावित्री की गैस पास हो जाती है, सभी बदबू से नाक बंद कर लेते हैं। ओ माय गॉड, इस तरफ हार्ट कौन करता है, बदबू से नाक सड़ गई। अरे नखरे तो देखो, पेट से हवा निकलेगी तो बदबू ही आएगी, तेरे पेट से गुलाब का इत्र निकलता है क्या? तभी ताऊजी धोती बांधते हुए बाथरूम से बाहर निकलते हैं और नई बहुओं को शॉर्ट स्कर्ट फ्रॉक में देखकर खुद ही अपनी धोती से अपना मुंह छुपाकर वहां से चले जाते हैं। हे भगवान, ये कैसा पाप कराया। अरे ये श्यामलाल ऐसी बहुएं घर में ले आया, अब तो खैर इसी में है कि अपना ही मुंह छुपा लूं। शीना बाथरूम में घुसती है। डिस्गस्टिंग गॉड, ताऊजी ठीक से पानी डाल के भी नहीं गए, इट्स स्टिंकिंग, कितनी गंदी बदबू है। दीदी जल्दी आ जाओ, हम रोक ना पाएंगे ज्यादा देर। ओके जाओ जाओ, मेरा हो गया। सावित्री भी बाहर आ जाती है और सौम्या अंदर जाती है। कुछ ही देर में उसके चिल्लाने की आवाज आती है। अरे मम्मी जी जल्दी अंदर आइए, मुझे बचाइए, इंडियन स्टाइल सीट पर बैलेंस नहीं बन पाया, मैं गिर गई हूँ। हे भगवान, ये किन कर्मों का फल है, 6 बजने वाले है, अभी सारे रिश्तेदार जाग जाएंगे। अंदर जाके वो सौम्या की उठने में मदद करती है और नीला उसका हाथ पकड़कर किसी तरह इंडियन सीट पर बैठती है। सॉरी सासू जी, हम तीनों सौम्या, मैं और नीला शहर में रहते हैं, इसलिए इंडियन सीट पर बैलेंस नहीं हो पाता। कोई बात नहीं बहू, पहला दिन है, बस अब तुम पांचों नहा धोकर तैयार हो जाना, मुंह दिखाई की रस्म होगी। किसी तरह वॉशरूम से निपट अब नहाने की बारी आती है। बहुओं एक ही वॉशरूम है, तुम तीनों एक साथ ही नहा लो, वरना सब रिश्तेदार जाग जाएंगे तो बाथरूम खाली नहीं मिलेगा। ओके सासू माँ, मैं अभी अपना शैम्पू लेके आती हूँ, मुझे स्क्रब करना है। मैं तो बॉडी पॉलिशर लाई हूँ। अरे हम तो भैया मुल्तानी मिट्टी में हल्दी मिला के नहाते हैं, मैं इतना सब नहीं करती, पानी में 2 बूंद गोमूत्र बस हो गया काम। इतना सामान लेकर जाने से अच्छा है सामान एक प्लेट में निकाल लो और मिलकर नहाना, बाल्टी में पानी रखा है। सब बहुएं अपना अपना सामान लेके बाथरूम में घुस जाती है। मैथिली बाल्टी में गोमूत्र मिलाने चलती है, तभी सावित्री कहती है, दीदी जरा मेरे पीठ पर ये मुल्तानी मिट्टी और हल्दी तो लगा देना। प्लेट में रखी इतनी सारी चीजों में कंफ्यूज मैथिली भूल से बॉडी स्क्रब लगा देती है और नीला भी सावित्री की हल्दी वाली मुल्तानी मिट्टी लगा लेती है। शीना दी, क्या आप लोग मेरी बॉडी पॉलिशर लगाने में मदद करेंगी? क्यों नहीं, बस जरा मेरी शैम्पू की बॉटल दे दे, अमेरिका से मंगवाया है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। गलती से सौम्या उसे गोमूत्र वाली बॉटल दे देती है। शीना शैम्पू सर पर डालती है तो गोमूत्र की बदबू से घबरा जाती है, उसके हाथ से बॉटल छूट के बाल्टी में गिर जाती है। ओह, ये कैसी बदबू है, मेरे पूरे शरीर में बदबू आ रही है, छी छी, ये मैं सहन नहीं कर सकती। अरे हाय धैया मैथिली दीदी, मेरे पीठ पर आपने क्या लगा दिया है,
लगता है पूरी पीठ छिल गई है। ओ गॉड, ये क्या है? येलो येलो मेरी पूरी बॉडी पर लग गया, ये क्या है? इट्स लुकिंग लाइक पॉटी। नीला और सौम्या उल्टी करने लगती है, लगता है सब सामान एक दूसरे के सामान से बदल गया। चलो अब पानी से ही नहा लेते हैं। गोमूत्र गिर जाने के कारण पानी बिल्कुल गोबर जैसा महक रहा था। अरे ये गोमूत्र से इतनी झाग निकल रही है, ये तो सर से जा ही नहीं रही। मुझे तो ना आ रही बदबू, खुशबू आवे है उल्टा। गोमूत्र की बदबू के कारण शीना, सौम्या और नीला बिना ठीक से नहाए टॉवल लपेट के बाहर आ जाती है। मैथिली भी शीना के शैम्पू की झाग और सावित्री स्क्रब की रगड़ से घबराए हुए पेटीकोट गले में बांध बाहर आ जाती है। हाय दैया सुधा, तेरी बहुए तो देख बिना कपड़ों के बाहर आ गई। किसी के सर पे शैम्पू है तो किसी के मुंह पे हल्दी। मम्मी जी प्लीज हेल्प मी, मेरे सर से गोबर का बदबू आ रहा है। मेरा अमेरिका का शैम्पू था, मेरा बॉडी स्क्रब कितना गंदा पॉटी जैसा बन गया, निकल भी नहीं रहा सासू माँ। अरे अम्मा जी, हमारे सर पैर तो ये झाग का पहाड़ बन गया है, जितना धोए उतना बढ़ता जाए है, ऊपर से गोबर की बदबू। मम्मी हमारी मदद करिए। अरे लक्ष्मी, जरा अपनी भाभियों की मदद कर। बुआ जी आप सबको वही रोक लो, इज्जत का सवाल है। अरे कसम से बुढ़ापे में यही देखना रह गया था बहू। अरे भैया आंखें बंद करो, आगे ना जाना, क्या क्या देखना बाकी है। लक्ष्मी कुएं से पानी निकाल उनको आंगन में नहाने में मदद करती है। वे सब नहा कर वही कपड़े बदलने लगती है और उनके लगाए परफ्यूम से घर महकने लगता है। हे भगवान, इज्जत बचाना चलो, ये मुसीबत तो टली। अरे सुधा, पांच दिशाओं से पांच बहुएं लाई है, अभी न टली है तेरी मुसीबत। ये देख आधा घर खुशबू से महक रहा है और आधा गोबर की बदबू से बास मारने लगा है। अरे जी जी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मुंह दिखाई हो जाए। तभी शीला, नीला और सौम्या हाई हील और शॉर्ट स्कर्ट में और सावित्री और मैथिली भी साड़ी में आ जाती है। मम्मी जी हम सब तैयार हो गए, आप टेंशन मत लीजिए, सबको बुला लीजिए। दया रे दया, सब लोग तुम लोगों का चेहरा देखने आ रहे हैं और तुम लोग इस तरह नंगी पुंगी बैठी हो। अरे जो चेहरा पहले से ही खुला है, भला उसे कोई क्या देखेगा। सही कहा दीदी आपने, अब तो रिश्तेदारों के सामने मजाक ही उड़ेगा, मैंने ये सब सोचा ही नहीं। अरे बहुओं, ये तुम्हारा घर है, पांच बहुओं के होते हुए भी घर की इज्जत गई काम से। ऐसा कभी नहीं होगा माँ जी, हमारे रहते हुए तो कभी नहीं होगा। क्यों शीना दीदी, सौम्या दीदी और नीला दीदी, क्या हम लोग अपने घर के नाक कटने देंगे? पांचों बहू एक साथ बोली कभी नहीं कभी नहीं। पर बहुओं अब होगा क्या, गांव के लोग तुम्हारे कपड़े देखकर बहुत ताने मारेंगे। दीदी आप अपनी अपनी शादी की चुनरी अपनी स्कर्ट पर साड़ी की तरह लपेट अपने चेहरे घूंघट से ढक लीजिए। सभी लोग उसकी बात मानकर ऐसा ही करते हैं। एक एक करके सभी रिश्तेदार आते हैं और उनके घूंघट उठाकर उनका चेहरा देखते हैं और उनकी तारीफ करके चले जाते हैं। तुम पांचों ने तो घर की इज्जत रखी, असली बहू वही होती है जो वक्त पड़ने पर मिलकर एक दूसरे का साथ देती है और घर की इज्जत बचाती है। तभी वहाँ ताऊ जी आते हैं, उन्हें देखते ही पांचों बहुए इज्जत से उठ जाती है। स्कर्ट पर चुनरी ओढ़ कर बैठने पर तो पैर ढके थे, खड़े होते ही उनके पैर दिखने लगते हैं और चगरा ढका रहता है। ताऊ जी राम राम करते हुए अपना चेहरा ढक लेते हैं। मैं यही कहूंगी बहुओ हो तो सुधा की बहू जैसी हो, खुश मुंह दिखाई में मुंह तो छुपा ही लिया। सब हंसने लगते हैं और सभी वादा करती है कि धीरे धीरे वे सब सीख घर की इज्जत दांव पर ना लगने देगी। जीवन पहले की तरह खुशी खुशी चलने लगता है।